देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, इस गुणनखंड को हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले जो पीछे संख्या लिखी होती है ना उसको देखेंगे, पीछे क्या लिखा हुआ, 21 लिखा हुआ है ना, इसका अर्थ होता है कि गुणा करने पर आपके पास में तो 21 आना चाहिए, और ये साइन किसका है, प्लस का है ना, और प्लस करने पर आपके पास में ये 10 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं आपको सोचनी है जिससे आप गुणा करो तो 21 आ जाए और जोड़ करो तो कितने आ जाए, 10 आ जाए। तो आपको 7 को 3 से गुणा करो, 7 3 कितने होते हैं, 21 होते हैं, और 7 प्लस 3 कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब लिखना कैसे है देखिए ध्यान से आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस इस 10 की जगह आपको क्या करना है, 7 प्लस 3 लिखना है। ये एक्स अपनी जगह रहेगा, प्लस अपनी जगह, और 21 अपनी जगह। फिर क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स की क्या करनी है, 7 और 3 दोनों में गुणा कर दीजिए। एक्स की 7 में गुणा करोगे 7x आ जाएगा, एक्स की 3 में गुणा करो 3x आ जाएगा, और ये प्लस का 21। फिर क्या करना है आपको, दो दो के जोड़े बना लेने हैं, फिर इन दोनों में से कॉमन ले लेना है, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर था एक्स हमने बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। यहां से देखो 7x था, एक्स हम बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, प्लस 3x प्लस 21 है, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ एक्स बच जाएगा, और 3 के टेबल में 21 कितनी बार आता है, 7 बार आता है, 3 7 21 होते हैं। ये दोनों ब्रैकेट मिलने जरूरी होते हैं, मिल जाए तो इसका अर्थ होता है ये यहाँ तक सही है आपका। फिर क्या करना है आपको, इन दोनों ब्रैकेटों से एक ब्रैकेट उतारना है, एक्स प्लस 7 उतार देना, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा, इस ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, प्लस 3 लिखा हुआ है, ये एक्स प्लस 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 है, इस बार आपको क्या करना है, घटाने पर आपके पास में 2 आना चाहिए और गुणा करे तो 15 आ जाए। ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनको आपस में गुणा करे तो 15 आ जाए और घटाएं तो 2 आ जाए। तो आप देखिए 5 को 2 से गुणा 3 से गुणा करके दीजिए, 5 3 15 होते हैं, और 5 में से 3 घटाइए आप 2 आते हैं। लिखेंगे कैसे आप ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस इस 2 की जगह आपको क्या करना है, 5 माइनस 3 लिखना है, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा तभी तो 2 बचेगा। फिर ये x लिख दीजिए और ये माइनस का 15 आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस इस x की क्या करनी है, 5 और 3 दोनों में गुणा कर दीजिए, x की 5 में गुणा करो 5x आ जाएगा, और ये माइनस का निशान आ जाएगा, x की 3 में गुणा करो 3x आ जाएगा, माइनस के 15 हो गए। अब क्या करना है आपको, दो दो के जोड़े बना लेने, फिर क्या करना है, दो जोड़े बना लिए, इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x में x कॉमन आ रहा है तो x लिख लीजिए, यहां पर x बच जाएगा, और ये 5x है, इसमें से x बाहर ले लिया, क्या बच गया, 5 बच गया, माइनस यहां से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, यहाँ x बचेगा। ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का निशान हो तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस का ना 21 का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 3 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, 5 बार आते हैं, दोनों ब्रैकेट एक जैसे आगे, इसका अर्थ हो गया यहाँ तक ये सवाल सही है। अब आगे क्या करना है, दोनों ब्रैकेटों से आपको एक ब्रैकेट उतारना है, एक्स प्लस 5, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा, एक्स लिखा हुआ है, इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, माइनस 3 लिखा हुआ है, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसको देखिए कैसे करेंगे, इसमें गुणा करने पर तो 6 आना चाहिए, घटाने पर क्या करना है, देखो एक्स के गुणांक में कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, तो क्या करोगे, एक्स के गुणांक में कोई भी संख्या नहीं होते, वहां पर एक मानते हैं, मन ही मन सोच लेते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, गुणा में एक लिखा हुआ है, तो गुणा करे तो 6 आ जाए, गुणा करे तो कितने आ जाए, 6 आ जाए, और ये चिन्ह किसका है, माइनस का है ना, तो घटाने पर क्या आना चाहिए, हमारे पास में एक आना चाहिए, क्या आना चाहिए, घटाने पर क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, एक ऐसे लिखेंगे हम लोग, घटाने पर एक आना, ऐसी कोई दो संख्याएं सोचो जिनको आपस में गुणा करे तो 6 आ जाए और घटाए तो क्या आ जाए, एक आ जाए। तो आप देखो 3 को 2 से गुणा करो, 3 दोने कितने होते हैं, 6 होते हैं, और 3 में से 2 घटाइए क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब लिखना कैसे इसको देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ एक मान लेते हैं ना, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये एक्स उतार लेते हैं, ये 6 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की 3 में गुणा करो 3x हो गया, ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान हो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है तो ये प्लस हो जाएगा, और एक्स को 2 से गुणा करो 2x माइनस का 6 हो गया। दो दो के जोड़े बना लीजिए, अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, x आ जाएगा, यहाँ x बच जाएगा, x यहाँ से x बाहर ले लेंगे, यहाँ 3 बच जाएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, x बच गया, माइनस 2 की टेबल में 6 कितनी बार आते हैं, 3 बार आते हैं। दोनों ब्रैकेटों से एक ब्रैकेट उतार लीजिए, एक्स माइनस 3, इस ब्रैकेट के बाहर एक्स लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का 2 लिखा हुआ है, तो ये
एक्स माइनस तीन और एक्स प्लस दो इसका आंसर आ जाएगा।